कोरोना वायरस की वजह से इन दिनों हम हाथ धोने के लिए साबुन की जगह हैंड सैनिटाइजर का अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं, जिससे हाथों में से तो बैक्टीरिया साफ हो जाते हैं, पर हैंड सैनिटाइजर का अधिक मात्रा में उपयोग आपकी सेहत के लिए भी हानिकारक हो सकता है। दरअसल हैंड सैनिटाइजर में कई प्रकार के रसायन होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं, इसलिए सैनिटाइजर जब भी खरीदे तो देखे उसमें ट्राइक्लोजन नाम की चीज तो नहीं है, क्योंकि इससे शरीर की इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की ताकत को नुकसान पहुंचता है। साथ ही में यह केमिकल को हाथ की स्किन सोख लेती है, जिसके चलते इसके ज्यादा इस्तेमाल करने से यह केमिकल हमारे ब्लड तक भी पहुंच सकता है, जिससे मांसपेशियों के ऑर्डिनेशन को भी नुकसान पहुंच सकता है। जलन व खुजली की समस्या। हैंड सैनिटाइजर में विषैले तत्व और बेंजाक्लोनियम क्लोराइड का भी उपयोग होता है, जो कीटाणु और बैक्टीरिया को हाथों में से मिटा देता है, लेकिन यह हमारी त्वचा के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इससे त्वचा में जलन और खुजली जैसी समस्याएं भी हो सकती है और स्किन ड्राई भी हो जाती है। लीवर किडनी को भी पहुंचाता है नुकसान। सैनिटाइजर में खुशबू के लिए फैथलेट्स नामक रसायन का इस्तेमाल होता है। इसकी मात्रा जिन सैनिटाइजर में ज्यादा होती है वे हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इस तरह के अत्यधिक खुशबू वाले सैनिटाइजर लीवर, किडनी, फेफड़े तथा प्रजनन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सैनिटाइजर में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का भी इस्तेमाल होता है। यह शराब में उपयोग होने वाली अल्कोहल से काफी अलग है। ऐसे में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के शरीर में जाने से नुकसान भी हो सकता है और खासकर बच्चों से इसे दूर रखना चाहिए। लेकिन फिर भी कोरोना वायरस के मामले में सैनिटाइजर कारगर है, इसलिए अगर जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं तो आप इसे अपने पास रखें, लेकिन जैसे ही घर लौटे तो साबुन से हाथ धोना न भूले। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल गुजरात तक को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।